राधे राधे जी, जय कृष्णा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। और मैंने आपको पहली वीडियोस में पार्ट वन में बताया है इसे नीचे वाले को किस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। और मैंने आपके साथ राउंड ट्रिक भी शेयर की, आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक फंदे में जाली दी हुई है। और देखिए ये जो स्टेप बनी है ये साथ साथ आपके दोनों चलते हुए जाएगी ताकि आपकी इक्वल्स रो आए, ठीक है। तो ये अलग से चैन नहीं होगी, अलग से बनेगी, तो ये जो है आपका ऊपर नीचे जो है गड़बड़ आ जाएगा। तो आपने जो कैसे अटैच करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट थ्री में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी ये कितने साल की बेटी के लिए बना है, आपने कलरफुल वेस्ट धागों को भी यूज़ करना है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रिप बना दी है, जो चाक होती है ना वो पट्टी बना दी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती हूँ। नंबर एक, यदि आप चाहते हैं कि वन साइड इसका प्लेन रहे और यहाँ पर टू कलर का कोई पैटर्न रहे तो आप डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो। और साथ में ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर इसे जो है 10-12 फंदों से स्टार्ट करना, मैंने पहले भी कहा है आप इसे जितना चौड़ा बनाओगे तो बना लेना, ठीक है। और साथ में क्लियर कर रही हूँ कि इसमें राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों पट्टियाँ जैसे बनकर रेडी होती है। तो आपने क्या करना है, जब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग करेंगे ना यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर ये भी देख लेना आपने ये भी कि बेबी को बड़े चाहिए तो आपने रो ज़्यादा लगानी है। गर्ल्स वीमेन होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली चॉइस के अनुसार ही आपने रो, ये नहीं कि मैंने अगर 60 बोली या 50 बोली तो आपने उतनी ही रो लगानी है, ठीक है। तो हमने क्या करना, जब ये पट्टी बनेगी ना तो इसकी ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी जो है पल्ले के साथ मतलब स्टिचिंग हो गई। ये देखिए अगेन कह रही हूँ, ये स्टिचिंग हो जाएगा फिर ये वाली साइड, है ना, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मैंने आपको बढ़ाने और घटाने का पल्ले में बताया था, ठीक है, वैसे ही है, ठीक है, सेम वैसे ही तरीका है। तो पहले हमने क्या करना है, प्लेन रो लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे ये जो ट्रायंगल है इसको बनाना है। और ट्रायंगल ये नहीं कि मैंने पल्ले में 7 बढ़ाए हैं और इसमें 9 बढ़ा दिए, इक्वल्स इक्वल्स में आने चाहिए। अगर 7 मेरे पल्ले में बढ़े हैं तो 7 मेरे चाक में भी, 9 यहाँ बढ़े हैं तो 9 यहाँ भी, ताकि आपको स्टिचिंग की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और याद रखना है राइट और लेफ्ट दोनों सेम बनेंगे। तो चलिए अभी मैं जस्ट यहाँ पर जो है 70 रो लगाती हूँ, ठीक है, फिर बताती हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे वन साइड को एक तरफ को ले लेने हैं 3 पिन और इसे यहाँ से इस फंदे को बढ़ा लेना है मैंने, ठीक है। इस तरह से आपने जो है कॉर्नर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। अगेन इस तरह से 7 बार ही कर लीजिए, तो बढ़ा लिए है ना, ठीक है। अब हमने जो है एक एक फंदा जो है घटाना है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है आपने कैसे घटाना है, चाहे आपने 3 पिन का इस्तेमाल करना है चाहे 1 का, ठीक है। और ये इस तरह की शेप का आ गया है ना, ठीक है। अब मैंने सेम इतनी रो यहाँ लगाई थी 70, उतनी ही प्लेन लगानी है, ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा रो ले लिए क्योंकि मैंने ये निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर थर्ड पार्ट में इसका जो है बनाने का तरीका, लगाने का तरीका बताऊंगी। आई होप आज के प्रोजेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। थैंक यू।